चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स के। एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब उसकी प्रोडक्शन में कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज़ नहीं हुआ है एंड इसकी पैकेजिंग भी रिसाइकलेबल है। एंड जो सेकंड प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन में टॉक्सिक मटेरियल भी यूज़ हुआ है एंड इसकी पैकेजिंग रिसाइकलेबल नहीं है। एंड जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है वो स्लाइटली कॉस्टली है। आप एज अ कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करोगे वही डिफाइन करेगा कि एक वो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रोडक्ट बेचना है एंड जो कस्टमर की डिमांड होगी वही उनके हित में होगा कि वो वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या ना करें। क्योंकि आज का कस्टमर इन्वायरमेंट कॉन्शियस है एंड एक्सपेक्ट करता है कि उसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिले। एंड यही रीज़न है कि आज हम ग्रीन मार्केटिंग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हम ग्रीन मार्केटिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रीन मार्केटिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें प्रोडक्ट्स को डेवलप एंड एडवर्टाइज किया जाता है उनकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। सीधे सीधे शब्दों में आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस इको फ्रेंडली हो, प्रोडक्ट भी इको फ्रेंडली हो, पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली हो और आप एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ग्रीन बेनिफिट्स को कन्वे करें। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप झूठ बोल के एड्स में ये दिखा रहे हो कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे आपने पैकेजिंग पे लेबल लगा दिया रिसाइकलेबल, बट वो पैकेजिंग रिसाइकलेबल नहीं है। इस टाइप की प्रैक्टिस को ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ग्रीन वॉशिंग सिर्फ मिसलीडिंग नहीं है, सच का पता चलने पर रेपुटेशन ईजिली डैमेज हो जाएगी, क्योंकि झूठी एड चलाने से आपने टारगेट भी उसी को किया जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस है। अब आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में भी चेंजेस करने होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगा, तो जो शेयर होल्डर है उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी, तो वो उस कॉस्ट को बेयर करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी, तो जो कस्टमर है उसका भी स्लाइटली हायर कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ग्रीन मार्केटिंग को कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फर्स्ट, स्टारबक्स। स्टारबक्स ने सितंबर 2020 से प्लास्टिक स्ट्रॉस को डिच कर दिया है कम्प्लीटली। इनके ग्रीन स्टोर इनिशिएटिव में इनका प्लान वेस्ट रिड्यूस करना एंड प्रोडक्शन में 30% लेस वाटर एंड 25% लेस पावर यूज़ करना भी है। सेकेंड, आइकिया। IKEA की 90% बिल्डिंग्स में सोलर पैनल्स हैं एंड ये विंड एनर्जी का भी यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए। पीपल एंड प्लैनेट पॉजिटिव है इनकी स्ट्रेटजी का नाम, जिसमें IKEA अपने कस्टमर्स को इनकरेज करता है एनवायरनमेंट कॉन्शियस होने के लिए। अभी के लिए IKEA का गोल है 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना एंड इन ग्रीन इनिशिएटिव पे खर्चा भी बहुत होता है जिसको पे करने के लिए कंपनी रेडी है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रीन मार्केटिंग का मतलब है इको फ्रेंडली एफर्ट्स इन मार्केटिंग फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।